भारतीय रेल के डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स ने विश्व का पहला डीजल रेल इंजन को इलेक्ट्रिक रेल इंजन में बदलने का काम पूरा कर लिया है। वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाना ने विश्व में पहली बार डीजल रेल इंजन को इलेक्ट्रिक रेल इंजन में बदलकर स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक अपनाते हुए डीजल रेल कारखाने ने WAGC 3 श्रेणी के रेल इंजन से इसकी शुरुआत की है। आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रिक रेल इंजन मालगाड़ी में उपयोग किया जाएगा। ये इंजन प्रदूषण मुक्त है और डीजल के मुकाबले बेहतर स्पीड और 10,000 हॉर्स पावर की क्षमता देने में कारगर भी है। भारतीय रेलवे ने पहली दफा एक डीजल लोकोमोटिव को विद्युत चलित इंजन में बदला है। ये उसके ब्रॉडगेज नेटवर्क को पूरी तरह विद्युतीकरण करने के प्रयासों का हिस्सा है। इससे लोकोमोटिव की क्षमता 2600 HP से बढ़कर 5000 HP हो गई है। इस परियोजना पर काम 22 दिसंबर 2017 को शुरू हो गया था और नया लोकोमोटिव 28 फरवरी 2018 को तैयार करके भेजा गया। रेलवे ने गुरुवार को बताया कि अवधारणा से लेकर डीजल लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलने तक का काम महज 69 दिन में पूरा कर लिया गया।